इसलिए यदि छह महीनों के अतिरिक्त यदि नहीं दे सकते हमको कोर्ट या नहीं दे पा रहे कोर्ट, तुम्हारी अपनी मजबूरी होगी, आरएसएस की कोई मजबूरी होगी, तो हम कहते हैं कि मौलिक व्यक्ति के मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो मौलिक अधिकार है उसका हनन नहीं होना चाहिए। यदि हनन होता है तो साथियों बहुत शीघ्र ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता ऐसी स्थितियों में हम जनजागरण करके लोगों को कहेंगे या तो हम इसका पूरा बहिष्कार करें, क्योंकि ये मानवता के विरुद्ध है, ये इंसानियत के विरुद्ध है, ये संविधान के विरुद्ध है। इसलिए ऐसे जनगणना का हम लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, इस तरीके के एक मुहिम चलाना पड़ेगा साथियों। इसलिए मैं आज इतनी बातें करते हुए कि आप लोग तो सब कुछ जानते हैं कि मैं छोटे से उदाहरण देके थोड़ा सा उदाहरण देके मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम कौन हैं। ये बताइए, अंग्रेज इस देश में नहीं आए थे, ईसाइयत इस देश में नहीं आई थी, तब इस देश में क्या कोई गिरजाघर या ईसाई कोई व्यक्ति बना था, कोई आदिवासी ईसाई बना था क्या? नहीं था। उससे पहले यदि हम कहते हैं कि ऐतिहासिक आधार पर इस देश में मुगलों का आक्रमण हुआ और मुगलों के साथ में वहां की हमें इस्लाम उनके साथ में आया, यदि इनको छोड़ दिया जाए तो इस्लाम और मुगल के पहले इस देश में यहाँ आए, तब मुसलमान बने, तब यहाँ पर इस्लाम आया, इस्लाम का धर्मांतरण करे, तो कौन किया? यही का आदमी भाग गया, यही के आदमी को किसी तरीके से घेर लिया है। तो इसी तरीके से यदि इस देश में आर्य नहीं आए थे, इस देश में आर्य नहीं आए थे, तो आर्य नहीं आए थे तो आर्य आने के बाद यहाँ सनातन और हिंदू धर्म का प्रचार हुआ, लेकिन आर्य नहीं आए थे उससे पहले यहाँ क्या धर्म चलता था, कौन सा रास्ता था, क्या संस्कार और क्या संस्कृति थी, ये आपको खोजने की आवश्यकता है। और वो खोजने से आसानी से मिल जाता है, क्योंकि हम प्रकृति के पुजारी हैं। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कोई भी ट्राइबल हो, कोई भी आदिवासी समुदाय हो, वो प्रकृति की पूजा करता है, पेड़ पौधों की पूजा करता है, आकाश पाताल जलवायु की पूजा करता है। तो ये पूजा करने वाला, आराधना करने वाला समुदाय पूरे देश में मिलता है साथियों। तो वही है, वही धर्म था, वही धर्म के पूर्व जो इन धर्मों का आगमन हुआ था, उस धर्म के पूर्व इस देश में साथियों वही आदिवासियों का आदि धर्म था, आदिवासियों का आज जिसका नाम हम ट्राइबल कह रहे हैं, ये धर्म था साथियों। इसलिए उस धर्म की स्थापना में हम लोगों को लग जाना चाहिए, स्थापना नहीं बल्कि हमको समेटने में लग जाना चाहिए, एक दूसरे से कनेक्ट होने में लग जाना चाहिए। अभी हमारे बीच में मेघालय के साथी हमारे बीच में है, उन्होंने कहा कि हम खासी जनजाति के लोग हैं, खासियों की अपनी परंपरा है, खासी जनजाति की हमारे देवी देवता पेड़ पौधे में विराजमान होते हैं, और इसलिए हम न ईसाई हैं, न मुस्लिम, न सिख हैं, हम तो केवल आदिवासी हैं और हमारा धर्म खासी है। इस तरीके की बात लेकर साथियों उनको भी जानकारी हुई तो वो लोग भी यहाँ पर पहुंचकर आपके हिस्सेदारी की है, उन्होंने आपको स्पीच के माध्यम से भी बताया। और इसलिए अब वक्त आ गया है हमको अपनी पहचान कायम करने का। इसलिए आज मोहन भागवत देवी कोई बयान कर रहे हैं तो आपको उस बयान को देखिए, जब 2011 में एक बयान आया था, वो 2011 में एक क्या बयान आया था, ये बयान आया था कि हिंदू घटा देश बटा। और उसमें क्या कहा गया था, किधर इशारा था कि मुसलमान जनसंख्या में ज्यादा हो गया है इसलिए हिंदू घट गया है, ऐसी बात नहीं थी। वहाँ साथियों इस देश का जो आदिवासी है 2011 की जनगणना में यदि 49 लाख यदि सरना के लोगों ने हिंदू की सूची से अलग होके अपने सरना धर्म लिखवाए, इधर 10 लाख के लगभग गौण जाति के लोगों ने गौणी धर्म लिखवाया, तो ऐसे स्थिति के कारण साथियों उनकी नजर आदिवासियों पर पड़ी कि ये भाग रहे हैं, इसलिए इनको रोका जाए, तो कहीं ईसाइयों के ऊपर आरोप लगाना, कहीं मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाना, इस तरीके से साथियों आपके ऊपर इशारा था। और यही इशारा करते हुए साथियों अभी फिर वही बात आ रही है कि उनको लगने लगा कि सारे देश में आदिवासी अब अपने प्रकृति धर्म, अपने आदिवासी धर्म, अपने ट्राइबल धर्म की तरफ लगातार हो रहा है। आने वाले समय में यदि जनगणना होगी, यदि इनको हम छूट दे दिए तो